कृष्णा की 16,108 रानियां थीं, मगर सोचने वाली बात है कि इतनी सारी रानियां कैसे। इसके पीछे एक विशेष कहानी है जिसे कई लोगों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार कई रूप दिए हैं। इनमें से जो कथा सत्य के सबसे ज्यादा निकट मानी जाती है वह है भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 59वें अध्याय में दी गई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से केवल 8 पत्नियां मानी जाती हैं। इनमें देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा शामिल हैं। इन सभी से श्री कृष्ण का विवाह परिस्थितियों की मांग की वजह से हुआ था। इन 8 को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। द्वारकाधीश इन सभी के साथ सुखपूर्वक द्वारका नगरी में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना की और उनको बताया कि प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को भी उनसे छीन लिया था। इंद्र ने कृष्ण जी को बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया। इसके साथ ही उनसे इंद्र ने सभी को बचाने की प्रार्थना भी की। मित्रों, आपको बता दें, भौमासुर पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। भौमासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों ही होगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने मिलकर मूर्दैत्य और उनके सभी 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाहवसु, नभश्वान और अरुण का वध किया। अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर भौमासुर क्रोध से लाल हो गया था, जिसके बाद वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ उनके सारथी के रूप में गईं और अंत में उनके हाथों ही भौमासुर का विनाश हुआ। दैत्य भौमासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। भौमासुर ने अपनी बंदी गृह में कुल 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनके वध के बाद श्री कृष्ण ने इन सभी को आजाद कर दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या इन सभी के सामने आ खड़ी हुई। वह सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं और बहुत दुखी भी थीं। सभी अपमानित, लांछित और कलंकित महसूस कर रही थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला यह है कि या तो हम अपने जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति को अपना लें, अथवा दूसरा, या तो हम आत्महत्या कर लें। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा की और सभी को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। वहां ये सभी कन्याएं खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। वहां वो सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार और सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगीं। वो सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति करके सुखपूर्वक रह रही थीं। भगवान ने उन राजकुमारियों को अपनाकर उन्हें अपनी अन्य पटरानियों के समान व्यवस्था दी और उन्हें अपना नाम दिया, लेकिन कभी उनसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाया। इसे एक प्रकार से उस समय का एक निर्लाभ संगठन भी कहा जा सकता है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि पिछले जन्म में 16,100 कन्याएं ऋषि मुनि थे। इन सभी